तो अब देखते हैं लाफी खाके के कैसा लगता है। ये सोयाबीन है। हाँ जी सोयाबीन। जिन्होंने आपने इसको ये रब किया होगा। हाँ जी हाँ जी स्टीम करते हैं ना। ओके ओके ओके। थैंक यू। वेलकम। खा के देखते हैं कैसा है। पम्बू जी बहुत यम्मी है। बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है। आई थिंक भैया ने इसके साथ सब्जी भी रखी होगी आलू की। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। अब हम कचौड़ी खाते हैं। गर्मा गर्म कचौड़ी। अब देखते हैं कैसी है। खाते कैसे हो भाई इसको। देखते हैं खाके। तो अब हम चलते हैं मजनू का टीला। वहां पर जाके देखते हैं। तिब्बती फूड बहुत ज्यादा फेमस है जो मैंने सुना है। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बट देखते हैं कि वहाँ पर कैसा लगता है तिब्बती फूड्स। दिल्ली में रहकर आपको भी जाना चाहिए और वहाँ पर ट्राई करना चाहिए तिब्बती फूड्स। तो आइए चलते हैं देखते हैं कैसा होता है। सो चलते हैं। मैम क्या बना रही हैं। हेलो मैम। हेलो। ये क्या बना रहे हो आप। ये लाफिंग लाफिंग। ओके ये कैसे क्या होता है किस चीज़ का होता है। ये बार वाला मैदा आटे से बनाते हैं। अच्छा मैदा और आटे से। फिलिंग सोयाबीन होता है। ओके तो आप दिखाएंगे कैसे क्या है। ऐसा होता है लाफिंग इसे बोलते हैं। और ये सोयाबीन। ओके अच्छा ये सोयाबीन। ओके तो आप एक प्लेट लगा दीजिए। एक प्लेट। स्पाइसी कितना खाते हैं। मीडियम नॉर्मल। नहीं मीडियम मीडियम। तो अब देखते हैं लाफिंग खाके के कैसा लगता है। लाफिंग में टाइप बहुत है। एक ए होता है नट्स लाफिंग और चिकन लाफिंग और वेज लाफिंग होते हैं। अच्छा 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 ये वैरायटी है मतलब फर्स्ट चिकन और। ओके कितने साल से कर रहे हो आप ये। अब तो 3.5 हो गया। 3-4 होने वाले हैं। तो आप यहीं से स्टार्ट किया आपने। हाँ यहीं से यहाँ पर। लेकिन मेरा मम्मी बैठता है। अच्छा आपकी मम्मा बैठते हैं इधर। मम्मा अभी घर में बैठा है। अच्छा अच्छा आपकी मम्मा घर में बैठा है तो अभी मैम कर रही है। ये तिब्बतन तिब्बतन डिश है। हाँ जी तो इसको गर्म भी करके खा सकते हैं। गर्म नहीं होते ये ऐसे ही होते हैं नॉर्मल। अच्छा 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 ये गार्लिक पेस्ट होते हैं। अभी आपने नमक डाला ना। हाँ जी नमक और मसाला। ये गार्लिक पेस्ट भी डाला इन्होंने अभी। और ये चटनी होम मेड चटनी है। मीठी आपको स्पाइसी कितना। मीडियम नॉर्मल। नहीं मीडियम मीडियम मीडियम। तो ये इन्होंने स्वीट डाला है और अच्छे से मिक्स करना है। हाँ फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे इन्होंने बोला कि कोई गर्म वर्म करने की जरूरत नहीं है और ये ऐसी ही है डिश तो हम इसे ऐसी ही ये बना। सोयाबीन होते हैं। ये सोयाबीन है। हाँ जी सोयाबीन। जिन्होंने आपने इसको ये रब किया होगा। हाँ जी हाँ जी स्टीम करते हैं ना। ओके ओके ओके। ये आप कितने रुपए प्लेट से स्टार्ट करते हो। ये आपने जो ये खा रहे है ना वो ये 50 रुपीज का है। अच्छा ये 50 रुपीज की प्लेट है। और एक वावे डालते हैं ना वो क्रंची होते हैं वो 60 रुपीज है। ओके वो 60 रुपीज। और चिकन लाफिंग का 80 है। ओके ओके थैंक यू। वेलकम। खा के देखते हैं कैसा है। पम्बू जी बहुत यम्मी है। सीरियसली मैम आपने बहुत अच्छा बनाया है और बहुत यम्मी है खाने में। थैंक यू। और ये तो अभी सिर्फ फिलहाल मीडियम है जो स्पाइसी है और बाकी और भी ज़्यादा वो स्पाइसी हाँ। बनाते हैं इस चीज़ को। तो आप सिर्फ यही काम करते हैं या बाकी और कुछ। यही। अच्छा यही बनाते यही हैं बनाते हैं। मैम यही बनाती हैं और मैम को 6-7 साल हो गए ना। नहीं 4 साल होने वाला। 4 साल एंड लास्ट 4 ईयर हो चुका है मैम को ऑलरेडी। और ये यहाँ की डिश फेमस है जो मैम ने बनाया है और अब हम इसे खाते हैं। जीरो टू मांगू ना यो रानी लो थिपते लाज दन। मान के
मैम को अच्छा लगा, अब टिप भी दे देगा। मैम कितने बजे लगाते हैं आप? ये खत्म हो जाएंगे तो चले जाते, लेकिन 10 बजे तक होते हैं। अच्छा, मतलब आफ्टरनून से 10 बजे तक? हाँ जी, आफ्टरनून से 10 बजे तक। ओके, आप खा सकते हैं, ये कोई जंक फूड्स में नहीं आता और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। और जैसा कि अंकल अब हमारे लिए बना रहे हैं, और अंकल ने ये लकड़ी के ब्रात में इसको सेका है जिससे सिकाई कर रहे हैं, और ये एकदम पक जाएगा। जैसे उबालते हैं वैसे ही है सेम। जैसा कि अंकल ने बताया भी कि एक ग्राम के हिसाब से भी होता है, तो ये 40 रुपये की प्लेट है। कितना बताया था अंकल ग्राम? 200 ग्राम। भैया ये खस्ता कचौड़ी कितने की है? प्लेट पैक कर लो। अच्छा, और ये वाली? ये 30 की 2 है। 30 की 2। और ये तो देखिए गाइस, ये अलग कचौड़ी है और ये अलग है। और भैया के पास ब्रेड पकौड़े भी हैं विद पनीर। ये लेकिन मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। ये तो ऑलरेडी खा चुकी हूँ ये वाली, ये देखते हैं ट्राई करते हैं कैसा होता है। कितने साल से करो भैया? 10 साल। 10 साल हो गए भैया को। बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है। आई थिंक भैया ने इसके साथ सब्जी भी रखी होगी, आलू की। भैया की खस्ता कचौड़ी। सब्जी टेस्टी होगी। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। अब हम कचौड़ी खाते हैं, गर्मा गर्म कचौड़ी। अब देखते हैं कैसी है, खाते कैसे हैं वही इसको देखते हैं खाके। बहुत अच्छा टेस्ट है। और सब्जी ये भैया तो खा नहीं पाएंगे, हमें खाना पड़ेगा। गाइस जिनके सब्जी है ना, सब्जी बहुत टेस्टी है, एक नंबर। देखिए 30 रुपये की 5 कचौड़ी और उसके साथ आलू की सब्जी, और बहुत टेस्टी है। और इसके साथ ये हरी वाली मिर्ची, वो भी मसाले वाली। और आपको ये कचौड़ी खानी है ना, तो आप पिलर नंबर 206 के पास पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास आ जाओ। और भैया की वैसे भी बहुत पुरानी है, 10 साल से है।